rich people life money work for them and poor people life they work for money. जिंदगी में अगर आप सफल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहते हैं, तो लाइफ में मनी आपके लिए कैसे वर्क कर सकता है उसी के बारे में सोचना जरूरी है। जो चीज बात किया जाता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। 10 टिप्स फॉर हाउ यू विल बी मनी रूल्स इन लाइफ। 10 टिप्स फॉर द मनी रूल्स इन लाइफ, मनी आपके लिए कैसे वर्क कर पाए। वन थिंग्स, पे टू योरसेल्फ, खुद के लिए पे करना सबसे जरूरी रहता है। जब तक आपको प्रॉपर लर्निंग के लिए पे करना, पे टू योरसेल्फ मतलब आपका लर्निंग के लिए पे करना, आपका हेल्थ कॉन्शियस के लिए आप पे करेंगे, सो इट विल बी हेल्प यू टू बिल्ड अबाउट इन योर लाइफ। अगर आप कुछ चीजें अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस चीज को सीखना जरूरी है। एवरीथिंग इज लर्नेबल स्किल, हर चीज सीखा जाता है लाइफ में, सीख के चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं तो मनी को पहले खुद पर इन्वेस्ट करें, उस चीज से लर्निंग लें एंड सेम चीज को आप लोगों के साथ शेयर करें, विल बी इंप्लीमेंट अबाउट इन योर लाइफ। सेकंड थिंग, थिंक अबाउट जनरेट मोर इनकम। आप ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं अगर लाइफ में अगर आप रिच बनना चाहते हैं एंड मनी आपके लाइफ में वर्क करे। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी को आप इनकम करना पड़ेगा, देन मनी को आप इन्वेस्ट करेंगे, देन इट विल बी मनी वर्क फॉर यू अबाउट इन योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचे आप लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कैसे इनकम कर सकते हैं, यू विल बी आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। फर्स्ट चीज क्या रहता है हमारे लाइफ में, हम क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, और सबसे हमारा बड़ा मिस्टेक है, वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू आवरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट आस्क क्वेश्चन टू आवरसेल्फ। जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तो आपका आंसर आना शुरू होगा लाइफ में। मैं 100 रुपीज कैसे अर्न करूंगा, अगर उस क्वेश्चन मैं खुद को पूछूंगा तो मेरा माइंड स्टार्ट सर्चिंग करेगा आंसर कि मैं 100 रुपीज कैसे अर्न कर सकता हूं। अगर मैं 1000 रुपीज कैसे अर्न करूंगा, अगर मेरा माइंड को मैं पूछूंगा क्वेश्चन तो मेरा माइंड सोचने लगेगा मैं 1000 रुपीज कैसे अर्न कर सकता हूं। मैं इंटरनेट में सर्च कर सकता हूं, बुक रीड कर सकता हूं, देयर इज अ लॉट ऑफ चीजों को हम फॉलो कर सकता हूं कि माइंड सोच सके मैं 1000 रुपीज कैसे अर्न कर सकता हूं। अगर मैं लाखों का बारे में सोचूंगा तो लाखों के प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा, अगर करोड़ों के बारे में सोचूंगा तो करोड़ों को प्रोसेस को फॉलो करूंगा। वी मस्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन देयर इज द आंसर। हर क्वेश्चन का आंसर है, बट सेम आंसर को फाइंड आउट करना हमारा टास्क रहता है। पॉइंट नंबर 3, लर्न हाउ टू सेव एंड इन्वेस्ट इन योर लाइफ। प्रॉपर वे में हम सेव करके हम मनी को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मनी को इन्वेस्ट करेंगे वहां से मनी आपके लिए वर्क करना शुरू होगा हमारे लाइफ में। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। लाइक आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कितना मनी आप सेव कर रहे हैं। अगर मनी को इनकम करके अगर मनी को वी आर स्पेंडिंग तो इट इज द मीनिंगलेस द थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है कितना मनी हम सेव करें एंड मनी को हमारे लाइफ में कैसे वर्क करें और चीज के बारे में हम सोचें। पॉइंट नंबर 4, गिव योर मनी ए जॉब। एवरी मनी को आप वर्क प्रोसेस में लगाना शुरू करें। मनी आपके लिए तभी काम करेगा जब मनी को आप प्रोसेस में डालेंगे। मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वे। उसके लिए आपको लर्निंग लेना जरूरी है मनी को प्रॉपर वे में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक रुपीज भी आपका लाइफ में कैसे वर्क कर पाए, मनी आपके लिए कैसे काम करे, हर मनी को आप कैसे जॉब दे सकते हैं और प्रोसेस में कैसे डाल सकते हैं, सो वो चीजें आपका लाइफ में वर्क। पॉइंट नंबर 5, स्पेंड लेस एंड अर्न मोर। लेस स्पेंड करें एंड ज्यादा अर्न करें। सबसे मैटर करता है आप कितना इनकम कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैटर करता है आप कितना सेव कर रहे हैं। बट आप जब ज्यादा अर्न करेंगे तभी आप ज्यादा सेव कर पाएंगे। तो अर्निंग पे भी फोकस करना जरूरी है एंड सेविंग पे भी फोकस करना जरूरी है। बहुत सारे लोग अर्निंग पे फोकस करते हैं बट सेविंग पे फोकस नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन मनी डज नॉट वर्क फॉर देम। अगर आप भी चाहते हैं कि मनी आपका लाइफ में वर्क करे तो ज्यादा से ज्यादा मनी को सेव करें एंड इन्वेस्टमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा मनी को फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम जनरेट करें। पॉइंट नंबर 6, मेक ए प्लान एंड सेट ए गोल।
आप प्लान क्रिएट करें एंड गोल सेट करें, आप कितना मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना मनी सेव करना चाहते हैं, कितना मनी इनकम अर्न करना चाहते हैं, महीने में कितना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, सालों में कितना इनकम रेवेन्यू इनकम जनरेट करना चाहते हैं। यू विल मेक ए सेट ए गोल एंड मेक ए प्लान। जब आप गोल सेट करेंगे माइंड उसी दिशा में आपका सोचना शुरू करेगा एंड यू विल बी डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन अबाउट इन योर लाइफ। डेस्टिनेशन को रीच करने से पहले डेस्टिनेशन बनाना जरूरी रहता है। मोस्ट ऑफ पीपल दे डोंट हैव द डेस्टिनेशन इन देयर लाइफ, उनका लाइफ में डेस्टिनेशन ही होता नहीं है, जस्ट वेरी मच डिफिकल्टी टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अगर आपका लाइफ में डेस्टिनेशन नहीं होगा, आप टारगेट सेट नहीं करेंगे कितना मनी अर्न करना चाहते हैं, कितना मनी सेव करना चाहते हैं, कितना मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर उसको आप प्लान नहीं करेंगे तो प्रोसेस आपका लाइफ में कभी वर्क नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 7, लर्न हाउ टू अर्न मनी पैसिवली। हम मनी तो अर्न करते हैं बट एक्टिवली ज़्यादातर मनी हम अर्न करते हैं। अगर लाइफ में आप फाइनेंशियल फ्रीडम सक्सेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप मनी को पैसिवली कैसे इनकम जनरेट कर सकते। वन थिंग दैट इज द मनी से मनी इनकम जनरेट करना, दैट इज ऑल्सो ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आप सिस्टम बिल्ड करके उसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। आप लर्न करें, और चीज़ें लर्निंग प्रोसेस लर्नेबल चीज़ें हैं, बट हमको उस चीज़ के बारे में सिखाया नहीं जाता है। बहुत बड़ा मिस्टेक है हमारा लाइफ का सिस्टम में कि हमको उस चीज़ के बारे में सिखाया नहीं जाता है, हाउ विल बी जनरेट योर मनी पैसिवली। अगर काश हमको एजुकेशन सिस्टम के थ्रू दौरान और सारा प्रोसेस के बारे में हमको बताया गया होता तो विल बी नॉट चैलेंजेस फेसिंग दैट थिंग्स। एंड हम खुद भी उस चीज़ को लर्न नहीं करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी भर हम वर्क प्रोसेस में लाइफ गुजरते रहते हैं। इट विल बी टेक सम टाइम, इफ विल बी फॉलो द सिस्टम डेफिनेटली विल बी जनरेट फॉर दैट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 8, यूज योर मनी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के बारे में सोचिए। दैट इज आप अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, और जस्ट कीप योर इंटेंशन गुड अबाउट इन योर लाइफ। आपका इंटेंशन हमेशा सही रहना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना चाहिए। इट विल मोर गेटिंग सक्सेस, मोर अट्रैक्ट मनी अबाउट इन योर लाइफ। सारा चीज आपके लिए वह तभी करेगा दैट इफ योर इंटेंशन इज क्लियर। आप मनी को वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के बारे में सोचे। राइट वे में आप मनी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में सोचे। इफ यू वॉन्ट टू गेटिंग रिच यू मस्ट हेल्प। हेल्पिंग एक इम्पोर्टेंस पार्ट है लाइफ में रिचनेस बनने का, सक्सेस बिल्ड करने का। पॉइंट नंबर 9, टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क एंड हैंडल इट। कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना जरूरी है लाइफ में। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क को अगर प्रॉपर लर्निंग के साथ लेंगे दैट थिंग इट विल बी वर्क इन योर लाइफ। आपके लाइफ में वो चीज वर्क करने लगेगा। रिस्क हर चीज में है। आप वर्क वॉकिंग कर रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? अगर आप गिर जाएंगे तो आपका जान जा सकता है, हमारा जान जा सकता है, फिर भी हम वॉकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम क्या ड्राइव करना छोड़ देंगे? प्रॉपर लर्न के साथ, कॉन्शियस थॉट्स के साथ अगर उस चीज़ को प्रॉपर वे में करेंगे, सिस्टमेटिकली वे में करेंगे, डिसिप्लिन वे में करेंगे तो दैट सिस्टम इट विल बी वर्क फॉर अस। वो कैलकुलेटेड रिस्क हमारा लाइफ में हमको ग्रो करने में हेल्प करेगा एंड वो चीज़ प्रॉपर वे में हमको लेना जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, सिंपल थिंग्स बट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ऑलवेज टॉक पॉजिटिव थिंग्स एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट टू द मनी। अगर आप कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपका लाइफ में तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को प्यार करना जरूरी है, उसके बारे में सही वर्ड्स बताना जरूरी है। आपका लाइफ में अगर किसी भी पर्सन को अगर आप गाली करेंगे, अगर आप रॉन्ग गलत वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, क्या वो पर्सन आपका लाइफ में कभी भी अट्रैक्ट होगा, आना चाहेगा आपके पास? नो, इट विल बी नेवर पॉसिबल। इट्स मनी इज लाइक ए चिल्ड्रंस। अगर आपको उसको प्यार करेंगे तो वो आपका लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू होगा, आपके पास आना चाहेगा। उसको जो अच्छा लगता है वो चीज़ अगर उसको देना शुरू करेंगे तो आपका लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होना शुरू होगा। सेम थिंग्स, यू मस्ट डू दैट थिंग्स। मनी को रेस्पेक्ट करें, मनी को प्यार करें, मनी को मनी के बारे में पॉजिटिव बातें करें। डेफिनेटली मनी ऑल्सो अट्रैक्ट अबाउट इन योर लाइफ। आपका लाइफ में आना चाहेगा एंड आपका लाइफ में मनी ग्रो होने लगेगा। मनी हर किसी का लाइफ में जनरेट कर रहे हैं और मनी हर किसी का लाइफ में आ रहा है, ज़्यादा टाइम रोक नहीं पाते हैं उसको, आने से पहले ही उसका जाने का इस्तेमाल रेडी रहता है। दैट इज द थिंग्स, फॉलो द सिंपल सिंपल थिंग्स, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू
to get rich and it will be build your financial freedom about in your life. Follow the simple things and get a great success in your life. Thank you and love and respect to everyone.